This call is now being recorded. हेलो बच्चों, आज जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हमारा लेक्चर नंबर थर्ड होगा। इसमें हम आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बोर मॉडल। बोर मॉडल के बारे में लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, तो एक सबसे पहले बोर मॉडल को रिवाइज करेंगे, फिर बोर मॉडल के क्या लिमिटेशन थी, क्या खामियां थी वो पढ़ेंगे। उसके बाद में स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है और इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, थोड़े बहुत लाइन स्पेक्ट्रा की भी आज हम बात करेंगे। तो चलो बोर मॉडल से ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बोर मॉडल में पढ़ा था, इसे कुछ पोस्टुलेट के बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या पोस्टुलेट था बोर मॉडल का। तो सबसे पहला पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ। पहला पोस्टुलेट था कि जो एक एटम है उसके न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही। और क्या पढ़ा था इसमें, न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में होता है। और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, छोटा या बड़ा? स्मॉल कंपेयर टू एटम। न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू एटम। एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस क्या होगा, छोटा सा होगा न्यूक्लियस। चलो भाई, सेकेंड पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन किसके तरफ बिहेव करेगा, प्लैनेट की तरफ और न्यूक्लियस सन की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है। जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा ना किसके, न्यूक्लियस के। और जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, सर्कुलर। यस सर, सर्कुलर पाथ होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि एक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा जिसको अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड न्यूक्लियस होगा, वो इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अरे हमने पढ़ा था ना Fe बराबर Fc के होता है। Fe क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Fc क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे Fe क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोले थे, अरे एक तुम्हारा न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन इसे चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव था, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के चारों तरफ निगेटिव घूम रहा है। अरे ये अट्रैक्शन हुआ है ना, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो होगा। यस सर, उसके अगेंस्ट में क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि yes, अगर ये जीत जाता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता, उसको जीतने से कौन रोकेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होगा Fc। तो Fe बराबर होगा Fc के, Fe बराबर होगा Fc के, ठीक है। अरे बोलो। यस सर, यस सर। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था चूंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहाँ, सर्कुलर, क्योंकि गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के पास होगा भैया एंगुलर मोमेंटम। और उसका वैल्यू क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, बोर्ड साहब ने बोला था एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा एनएच बाई 2 पाई। और फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है एल बराबर एमवीआर। तो बोर्ड ने इस दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया था, यानी कि एमवीआर बराबर एनएच बाई 2 पाई, एमवीआर बराबर एनएच बाई 2 पाई। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। उन्होंने क्या बोला था, एन क्या है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा एक मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, एन डेसिमल नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ये 1.5 नहीं हो सकता, एन 1.2, 0.5 नहीं हो सकता, एन क्या होगा, एन या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बोलो भाई। अरे ये सब हमने आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पोस्टुलेट क्या था कि जो ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी क्या होगा, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट होगा। चूंकि एनर्जी कांस्टेंट होगा प्रत्येक ऑर्बिट का, प्रत्येक सेल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। और उसका नामकरण अगले पोस्टुलेट में क्या, उसका नाम कुछ रखा था, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या था, के, सेकेंड का एल, थर्ड का एम, फोर्थ का एन, पांच का ओ। अरे बोल लो। चलो स्टेशनरी ऑर्बिट को कहते हैं,
अभी जस्ट समझ में आया, एक्चुअली प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है। अभी जस्ट अब एक एग्जांपल लेंगे उससे समझ में आएगा। अभी तुम बस याद रखो प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, मतलब इनका कहना था अगर मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन है, कितने भी इलेक्ट्रॉन है, सबका एनर्जी फिक्स होगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी सेम होगा। ये सेकेंड ऑर्बिट है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। और वो सेम कितना होगा अभी हम एक फॉर्मूला से हम देखेंगे, ठीक है, इसलिए कॉन्स्टेंट बोला जा रहा है। अरे अगला कॉस्टलेट में क्या था कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, बाहर वाले ऑर्बिट में जाएगा, बाहर वाले सेल में जाएगा। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, बोर साहब ने क्या बोला था कि बाहर वाले का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। बाहर वाले का एनर्जी क्या है, ज्यादा, और अंदर वाले का एनर्जी क्या है, कम। बाहर वाले का एनर्जी क्या है, ज्यादा है, अंदर वाले सेल का एनर्जी क्या है, कम। चूंकि बाहर वाले का एनर्जी ज्यादा है तो इन्होंने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भैया, बाहर, जंप फ्रॉम इनर टू आउटर। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा, आउटर, आउटर सेल में जाएगा, आउटर ऑर्बिट में जाएगा। और इनर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी खर्च करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, अंदर आ जाएगा। जैसे तुमको पैसा मिला, तुमको एनर्जी मिला, तुम कहाँ जाओगे, बाहर मार्केट में जाओगे चाट समोसा खाने। पैसा मिला, एनर्जी मिला, तुम बाहर चले गए मार्केट घूमने। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होगा तुम वापस से घर आओगे, वापस से घर आ जाओगे, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। ऐसे भी होता होगा, तुम लोग कभी कभी ऐसा होता होगा कि तुम लोग रिश्तेदारी में गए, मतलब चाचा मामा के यहाँ गए, तुमको बहुत सारे पैसे मिले, 500 के नोट मिल गए, लेकिन जैसे ही घर आते हो घर वाले पैसे ले लेते हैं कि नहीं, मम्मी ले लेती होगी। अरे बच्चों से पैसे ले लेते हैं ना घर वाले, ले लेते हैं। तो वही हाल इलेक्ट्रॉन का है। देखो इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर था, मान लो ये न्यूक्लियस है, जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर है, मतलब मामा ही आए, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन जैसे ही घर आएगा ना तो इसको अपना पैसा घर वाले को देना पड़ेगा, पैसे को देना पड़ेगा। अंदर का एनर्जी क्या है, कम है, घर पे बच्चों को पैसे नहीं रखना है। जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर है तब तक पैसा रख सकता है, घर आएगा तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है भाई। अरे बोल, अंदर वाले का एनर्जी क्या होता है, अंदर में एनर्जी कम होता है, बाहर में एनर्जी क्या होता है, ज्यादा, बाहर ज्यादा होता है, ठीक है। चलो भाई, एन टू का ये हमने पढ़ लिया था, एन टू हमेशा बड़ा होगा एन वन से, मतलब बाहर वाले का क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। बाहर वाले अगर एन टू का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, एन वन से एनर्जी एन टू का ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो पढ़ा ये था कि यहाँ पे भैया एक इलेक्ट्रॉन है, उस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा होगा, और उसी के अगेंस्ट में फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पड़ा होगा, लग रहा होगा। एफ का वैल्यू क्या होगा, तो ये रहा एफ का वैल्यू, एफ सी का वैल्यू क्या रहा, तो ये रहा एफ सी का वैल्यू, और बोर मॉडल के हिसाब से एफ ई बराबर एफ सी था, एफ ई बराबर एफ सी था, एफ ई का वैल्यू ये था, एफ सी का वैल्यू ये रहा। ये सब कहां से आए, तो फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू एम बी आर था। जब सबका वैल्यू पुट करोगे, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कुछ काटा पिटी करोगे, तो तुम्हारा एक रेडियस, ये आर फोर क्या हुआ, रेडियस, एक रेडियस का फॉर्मूला आएगा, और यही तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रेडियस का ये फॉर्मूला आया था। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, तो हमने पढ़ा था रेडियस का फॉर्मूला था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। बोलो, यस सर, ये हमने पढ़ा था। और फिर उसी में जेड क्या है, इसमें जेड एटॉमिक नंबर है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ओके सर। और एन क्या है, तो ये एन ऑर्बिट या सेल बोल दो, ऑर्बिट या सेल बोल दो, एन क्या है, ऑर्बिट या सेल, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो, हाँ बोलो व्योम। अरे बोलो सर, सॉरी, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया, और फिर उसी में तुम
उसी फॉर्मूला से तुम्हारा एक और फॉर्मूला आएगा जो होगा वेलोसिटी। अरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, और जो घूमता है उसके पास वेलोसिटी होगा कि नहीं? यस सर होगा। क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ घूमेगा। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी होगा, ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर बोल दो। ठीक है भाई? यस सर। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रेडियस। ये बोल रहा है रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ही रेडियस बोला तो सबसे पहले तो रेडियस का फॉर्मूला लिख लो। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, क्या था रेडियस का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। सर 0.53 n स्क्वायर अपॉन में z, और यूनिट क्या होगा, एंगस्ट्रम में आएगा। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। ठीक है चलो 0.53 n स्क्वायर बाय z। अब यहां पे n क्या है सर? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट। और जेड क्या है? जेड होता है एटॉमिक नंबर। जेड क्या एटॉमिक नंबर? 1 होगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन है तो जेड क्या होगा, जेड तो 1 होगा, जेड तो 1 होगा। तो चलो फॉर्मूला में जो भी जहां जहां जेड है सब जगह 1 रख दिए, सब जगह 1 रख दिया, कोई दिक्कत? जहां जहां जेड था वहां वहां हमने क्या रखा, 1। अब क्या करेंगे, अब एन का वैल्यू, एन का वैल्यू देखो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, एन का फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि एन का वैल्यू 1 होगा तो 1 का स्क्वायर। सेकंड वाले में सेकंड ऑर्बिट है यानी कि एन का वैल्यू 2 होगा, 2 का स्क्वायर। थर्ड वाले में एन का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। फोर्थ वाले में एन का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। बोलो भाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। वैल्यू पुट करो और गुणा भाग करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लो ये रहा आंसर, आंसर आंसर आंसर। अरे कोई दिक्कत? नो सर, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना ये? यस सर, यस सर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब यहाँ पे अगर नई प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो और पोल में आंसर करो। पोल में आंसर करना है किसका, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन पढ़िए भाई, पोल में आंसर कीजिए। आपके सामने एक पोल जा रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? चलो पोल जनरेट हो गया, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अब बताओ रेडियस का रेशियो पूछ रहा है किसके, हीलियम प्लस का। तो सबसे पहले रेडियस का रेशियो पूछ रहा है तो रेडियस का फॉर्मूला लिख दो भाई, रेडियस का फॉर्मूला लिख दो। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ। 0.53 n² / z, यही होता है ना, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। अरे यही होता है कि नहीं बताओ भाई? हाँ भाई यही होता है। देखो अब n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पे बताओ, n का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा कि नहीं, और यहाँ पे n का वैल्यू 5 होगा कि नहीं बताओ, और जेड yes, का जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड क्या होगा, 2। हाँ जेड 2 होगा, हीलियम है ना तो 2 होगा, इतना क्यों सोच रहे हो, हीलियम है तो 2 ही होगा, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, 2। चलो अब हम रेडियस रेशियो रखते हैं। R3/R5 पूछ रहा है, R3/R5 पूछ रहा है। देखो 0.53 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या होगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जो कॉमन है उसे काटो, 2 से 2 कटा, या ये जेड भी रखते तो वैसे भी कटता, तो क्या बचेगा 3 3 9 डिवाइडेड बाई 5 5 25, ये रहा आंसर। अरे समझ में आया भाई? अरे बोल। यस सर।
तो यही था देखो यहाँ पे पहले वाले में देखो जेड का वैल्यू यहाँ पे दो है और एन स्क्वायर थ्री का स्क्वायर क्या क्या नाइन बाई टू यहाँ पे तुम्हारा क्या था जेड का वैल्यू टू रहेगा और एन का वैल्यू फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव फिर रेशियो लिए थे जो कॉमन था उसे हमने काट दिया था बचा क्या था नाइन बाई ट्वेंटी फाइव नाइन बाई ट्वेंटी फाइव आपका बचा था ये आंसर हो गया किसी को नहीं समझ आया तो बोलो किसी को नहीं समझ रहा था बोलो अब बताओ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा कि नहीं यस सर एनर्जी होगा हाँ भाई इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा क्यों होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यस सर घूम रहा है तो उसके पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी हाँ बोलो लक्की कोई डाउट है क्या एक बार पीछे वाला रिपीट कर देना क्वेश्चन कौन ये क्वेश्चन Yes, अरे ये क्वेश्चन अरे भैया देखो रेडियस का फॉर्मूला था रेडियस का हमने फॉर्मूला ये था ये आपको फॉर्मूला याद रखने होंगे रेडियस का ये फॉर्मूला था और हमने क्या किया अरे n का वैल्यू पुट किया जेड का वैल्यू पुट किया क्वेश्चन में ही दे दिया n का वैल्यू 3 दिया हुआ है n का वैल्यू 5 दिया हुआ है जेड का वैल्यू 2 है पुट करो रेशियो लो कॉमन था उसको काट दो आंसर आ जाएगा बस फॉर्मूला ये फॉर्मूला में पुट कर देना है एक मका में n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा और एक में n का वैल्यू क्या होगा 5 होगा जेड तो दोनों में टू ही होगा पुट कर दो आंसर पाओ ठीक है yes, चलो yes, sir. आगे बढ़ते हैं अब आता है अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अभी हम उसका वेलोसिटी देखे थे और जो घूमता है उसके पास क्या हो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है क्यों क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर अरे हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा घूम रहा है काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को खींचना भी चाह रहा है कौन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी है पोटेंशियल एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा टोटल एनर्जी भी होगा क्यों होगा एक्चुअली टोटल एनर्जी क्या होता है टोटल एनर्जी क्या होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल मतलब दोनों को तुम सम कर दो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा इतना ध्यान रखना तो टोटल एनर्जी जो हुआ वो दोनों का सम हुआ तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना कौन सा ये माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना क्या है एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन सॉरी एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अब ये फॉर्मूला देख के तुम बताओ क्या एनर्जी एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के बताओ इनवर्सली डायरेक्टली पगले देखो यहाँ पे माइनस भी तो लगा हुआ है अरे इनवर्सली और एक माइनस भी तो है तो दो हो गया ना निगेटिव निगेटिव तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ अरे बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगा क्यों क्योंकि देखो डिवाइड भी है और माइनस भी है डिवाइड भी है माइनस में भी है इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलो भाई ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर के ये तो हम पहले से भी जानते थे नहीं जानते थे जैसे जैसे दूर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा हम नहीं बोले थे पैसा मिलेगा तुम बाहर जाओगे अरे स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना कि न्यूक्लियस है और जैसे जैसे तुम्हारा दूर जाओगे तो एनर्जी बढ़ता है जैसे जैसे दूर जाओगे तो एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा और यहां से भी तो तुम देख रहे हो ना एन बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है बोलो अरे है कि नहीं यस सर चलो तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना ये जूल वाला फॉर्मूला ध्यान मत रखना आवाज नहीं आ रही क्या होगा देखो ये फॉर्मूला आप इसको तुम इग्नोर कर देना एक्चुअली क्यों इग्नोर कर दे क्योंकि ये जूल पर एटम है अरे तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ध्यान रखा तो जूल वाला तुम ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लोगे ठीक है अरे एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल का वैल्यू पुट करो आ जाएगा तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान मत रखना ठीक है चलो ये आपका लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला इम्पोर्टेंट है ये आप ध्यान रखना ठीक है चलो भाई आगे बढ़े
यस सर। और इसका जैसे यूज क्या होता है? एनर्जी निकालने में। अभी यूज देखोगे भाई, एनर्जी निकालेंगे। अरे वही, इसी वजह से तो सेल का देखो, प्रत्येक सेल का अभी तुमको पता चलेगा इसका यूज। रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। एक हमने पोस्टलेट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था स्टेशनरी ऑर्बिट वाला, जो तुम कह रहे थे कि सर स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोल रहा है। यस सर, ये फॉर्मूला उसी को क्लियर करेगा। देखना कैसे क्लियर करेगा। देखो इधर क्या है, अगर E1 का एनर्जी कोई पूछे, E1 मतलब समझे, ये बहुत सारे सेल है, ये पहला सेल का एनर्जी कोई पूछेगा ना, तो बस उसी फॉर्मूला में क्या करना है, उसी फॉर्मूला में आपको क्या करना है, N का वैल्यू 1 पुट कर देना, N का वैल्यू 1 पुट करना। और जे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड भी क्या होगा, 1 होगा। N का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आएगा। देखो कैसे, एनर्जी क्या था, फॉर्मूला क्या था, माइनस 13.6 क्या था, और जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। यस सर, अब यहाँ पे बताओ, जेड तो 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन है, और एन भी 1 होगा, जेड वन एन वन यानी कि माइनस 13.6 वन बाई वन स्क्वायर भी कर ही दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कि नहीं। यस सर, तो ये एनर्जी का वैल्यू है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का वैल्यू है। देखो यानी कि पहले सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस सब का एनर्जी क्या है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के लिए तो हम इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहे थे, पता चल गया। यस सर। सेकंड सेल का अगर कोई पूछेगा कि सेकंड सेल का भाई एनर्जी बता दो, फॉर्मूला सेम रखो, एन का जगह पे 2 रख दो, फॉर्मूला सेम रहेगा, एन के जगह पे 2 रहेगा। E2 का वैल्यू क्या होगा? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस 13.6 जेड का वैल्यू क्या है भाई, 1। एन का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 होगा, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डिवाइड कर दो क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो आएगा आपका माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब समझे, ये सेकंड सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी क्या होगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा। बोलो भाई। यस सर। तो एनर्जी फिक्स हो रहा है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए तो स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहे थे कि एनर्जी क्या है, फिक्स है, एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया? अरे बोलो। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था क्या कि टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। टोटल एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने पढ़ा था। तो चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको बस देख लो, बस फॉर्मूला को देख लो। आप क्या देख रहे हो, यहां पे के है, जेड है, ई स्क्वायर है, और नीचे में क्या है, 2R है। पोटेंशियल एनर्जी का तुम फॉर्मूला देखना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है। तुमको काइनेटिक और पोटेंशियल में एक अंतर दिख रहा होगा, क्या अंतर दिख रहा होगा? सब पोटेंशियल में माइनस है, पोटेंशियल में माइनस है, और इसमें में 2 एक्स्ट्रा है। यस सर, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, पोटेंशियल डबल है काइनेटिक। यस, अगर काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा तो तुम क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 से, कर देंगे तो बताओ ये पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा कि नहीं। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। बोलो भाई। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा, या फिर देखो, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है और इधर अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा।
तो क्या लिख सकते हैं? दे ये बड़ा कौन हो रहा है तुम बताओ, काइनेटिक बड़ा है कि पोटेंशियल बड़ा है? पोटेंशियल बड़ा है कि नहीं, क्योंकि काइनेटिक में डिवाइड हो रहा है। पोटेंशियल, यस पोटेंशियल बड़ा। और कितना बड़ा है? दुगुना बड़ा है कि नहीं काइनेटिक के? तो आप लिख सकते हो क्या, पोटेंशियल एनर्जी दोगुना है काइनेटिक एनर्जी के, और केवल दोगुना बड़ा नहीं है, साथ में एक माइनस साइन भी लगा दो, ध्यान दो। काइनेटिक में टू से डिवाइड करो, पोटेंशियल में टू से डिवाइड नहीं करो, इसका मतलब पोटेंशियल बड़ा है क्योंकि काइनेटिक में तुम डिवाइड कर रहे हो। तो पोटेंशियल बड़ा है कितना? दो गुना बड़ा है। देखो दो से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, पोटेंशियल दो गुना बड़ा है और साथ में एक माइनस भी आ रहा है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिख सकते हैं सर, लेकिन पोटेंशियल में तो माइनस आ रहा है, माइनस में तो कम होता है। अरे भैया मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसमें दो से नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इसमें दो से, मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ। इसमें तुम दो से डिवाइड कर रहे हो, इसमें कुछ डिवाइड नहीं कर रहे हो, तो इस डिवाइड किसी में करते हैं तो वो छोटा होता है ना, तो ये दो गुना से कम है, तो यानी कि पोटेंशियल हम नहीं कहेंगे भैया, पोटेंशियल दो गुना ज्यादा है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन की नहीं बात कर रहा, तो पोटेंशियल दो गुना ज्यादा है और उसमें अगर माइनस अगर लगा दिया जाए तो बताओ ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा? पोटेंशियल माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे बोलो, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये आपको याद होने चाहिए, पोटेंशियल बराबर है माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ टोटल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी इक्वल होता है, टोटल एनर्जी इक्वल होता है किसके? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी दोनों के सम के बराबर है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब ये काइनेटिक का वैल्यू क्या आया? काइनेटिक की जगह पे काइनेटिक ही रखो, पोटेंशियल की जगह पे क्या लिखे थे हमने? पोटेंशियल की जगह पे क्या लिखा था? माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिख दे माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस काइनेटिक एनर्जी बचेगा कि नहीं? Yes, यानी कि टोटल एनर्जी क्या हुआ? टोटल एनर्जी किस किसके बराबर हुआ? टोटल एनर्जी बचा आपके निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। टोटल एनर्जी किसके बराबर हुआ? निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। और अभी हमने टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला ही पढ़ा था उधर, अभी तो रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, जिसको यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ये ई क्या है? टोटल एनर्जी है। ई क्या है? टोटल एनर्जी। हम लिख सकते हैं कि नहीं कि टोटल एनर्जी जो है निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अरे बोलो, यस सर, यस सर। और क्या ये भी लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी? ये टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के, कैसे लिख सकते हैं कि देखिए, देखो टोटल एनर्जी क्या लिखे हो? माइनस काइनेटिक एनर्जी लिखो। और अभी हम यहां से अगर इस फॉर्मूला से निकालोगे तो बताओ, यहां से अगर निकालना चाहोगे तो लिख सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है? ओके, अरे माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल रहे थे, माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, यानी कि दोनों तरफ हम टू से मल्टीप्लाई करते। अरे दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करने के तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई। नो सर, दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही तुम दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई किए तो माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया जाए, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसके जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, और ये तो एज इट इज रहेगा, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दोगुना टोटल एनर्जी के नहीं हो गया? यस सर, हो गया ना, दोगुना। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दोगुना है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये तीनों रिजल्ट याद रखना, कौन? रिजल्ट नंबर वन, रिजल्ट नंबर टू, रिजल्ट नंबर थ्री, ठीक है भाई? ओके सर, ओके। चलो यहाँ पे ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी का, तो अगर तुम फॉर्मूला पे ध्यान दे रहे होगे तो आप देख रहे हो कि नीचे आर है और कोई माइनस नहीं है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं रेडियस के?
इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे काइनेटिक एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में देखो माइनस लगा हुआ है और आर नीचे है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? यस सर। यानी कि जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा माइनस है और नीचे आर है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाओगे टोटल एनर्जी भी बढ़ेगा। बात तो हम पिछले क्लास से ही पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी बढ़ता है, दूर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, तुम पैसा मिलेगा तब तुम बाहर जाओगे, मार्केट जाओगे, बाहर वाले सेल का क्या एनर्जी ज्यादा है। अरे समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते। यस सर। ये हमने देखा एनर्जी, हमने फाइंड आउट किया ही, लेकिन अब बातें आती है कि एनर्जी का डिफरेंस, कि दो सेल के एनर्जी का डिफरेंस बताओ, दो ऑर्बिट के बीच, मतलब बीच की एनर्जी का डिफरेंस बताओ, तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे तुमने एनर्जी निकाला कितना, -13.6 अभी हमने कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे है -3.4, और आपसे कोई पूछे कि चलो एनर्जी का डिफरेंस बताओ, तो क्या करोगे, एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा ई, जो कि बराबर होगा ई टू माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस, बड़ा कौन होता है, बाहर वाला बड़ा होता है, यानी कि -3.4 बड़ा है, माइनस करोगे इसका वैल्यू क्या है, -10.6। अरे बोलो। यस सर। माइनस करोगे क्या, -3.4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 13.6 ये होगा, तो क्या होगा, प्लस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुमने एनर्जी का गैप निकाल लिया, कैसे निकाला, दोनों की एनर्जी को माइनस करके, दोनों एडजेसेंट एनर्जी को माइनस करके तुमने एनर्जी का गैप निकाल लिया, तो वही यहाँ पे किया हुआ है, देखो दोनों का एनर्जी गैप क्या आया था, क्या आया था, 10.2 आया था। फिर देखो सिमिलरली तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों का भी गैप निकाल सकते हो, इन दोनों का भी गैप निकालोगे तो क्या आएगा, लो 1.89, फिर इन दोनों का भी निकाल सकते हो, अरे गैप निकाल सकते हो ना, कैसे निकाल रहे हो सर, ये कैसे गैप निकाल रहे हो, देखो इनका वैल्यू, अगर मान लो इनका वैल्यू 6 है, फॉर्मूला बस एनर्जी का फॉर्मूला रखो, इसमें क्या रखोगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या रखोगे, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6, जेड का वैल्यू तो 1 ही होगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर था, एन के जगह पे क्या रख दो, एन के जगह पे 6 रख दो, जेड के जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा, बोलो। सिमिलरली इसका तुम करोगे तो क्या होगा, इसके लिए जेड का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए भी जेड 1 होगा, लेकिन एन का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, और निकल जाएगी नहीं सबका वैल्यू। यस सर। और गैप निकालने के लिए इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे, दोनों का वैल्यू फाइंड करो और माइनस कर दो, सिंपल माइनस दोनों को माइनस कर दो, तुम्हारा एनर्जी आ जाएगा, ये रहा एनर्जी, ये रहा एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप है। अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है भाई, तो ये हम ऐसे कर लेंगे, तो ये थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा कि दोनों का एनर्जी निकाल रहे हो, अगर मान लो कोई गैप ही पूछ रहा है तो देखो सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, पहले का एनर्जी निकाले थे, फिर दूसरे का एनर्जी निकाले थे, फिर तुम माइनस किए थे, तीन स्टेप किए, पहले का एनर्जी निकाले, दूसरे का निकाले, फिर माइनस किए, थोड़ा टाइम टेक लग रहा है। एक काम करते हैं ना, हम जनरली फॉर्मूला बना लेते हैं ना, एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे हमारा आसान हो जाए, चलो एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे होगा जनरल फॉर्मूला, देखो ये रहा फॉर्मूला, मान लो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी ऑफ बड़े वाला, यानी कि ई एन टू माइनस ई एन वन, लिख सकते कि नहीं? यस सर। ई एन टू का वैल्यू क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही था ना, एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, फिर क्या होगा, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन स्क्वायर। अब कॉमन क्या आ सकता है, तुम सोचो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 13-13.6 कॉमन आ सकता है कि नहीं? यस सर। रेड स्क्वायर कॉमन आ सकता है कि नहीं? बचेगा क्या, बचेगा अभी माइनस बाहर है, इसको अंदर भेज दे, क्योंकि माइनस हम क्यों ले, हम 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n1² -1/n2², बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, इस तरह भी लिख सकते हैं, 6.6 जेड स्क्वायर 1/n1² -1/n2², ये भी लिख सकते हो, और ये क्या है, डेल्टा एन ई, डेल्टा ई,
चेंज इन एनर्जी। बोलो भाई कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब क्या किया जाए सर? हाँ बोलो सर। ये ऊपर माइनस कॉमन लिया, बीच में प्लस नहीं बना। अरे तो माइनस कॉमन लिया तो देखो ना, ये टू था तो टू बाद में आ गया, ये वन बाद में था तो ये इसके ऊपर वाला। ऊपर में तो हमने माइनस कॉमन ही नहीं लिया था, माइनस बाहर था। अरे ऑलरेडी दोनों में माइनस है भाई, क्या हो गया? अरे एक सेकंड रुको, अरे 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 रुक जाओ, यहाँ पे एक और माइनस होगा ना, माइनस इसके फॉर्मूला में भी तो एक माइनस होगा। अरे माइनस कर रहे हो ना, डेल्टा आई का मतलब क्या होता है माइनस। अरे इस फॉर्मूला में भी एक माइनस है ना, अब सही है? फॉर्मूला में भी तो एक माइनस होता है। चलो ठीक है। अरे किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो इस फॉर्मूला में अभी बताओ, हमने एक लास्ट क्लास में प्लैंक वाला भी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था, जिसे हमने एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डेल्टा ई बराबर एच सी बाय लैम्डा। ई बराबर एच सी बाय लैम्डा पढ़े थे? यस सर। एच सी बाय लैम्डा पढ़े थे। तो डेल्टा ई की जगह पे हम लिख सकते हैं, डेल्टा ई की जगह पे लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा और बाकी जो एडजिटीज था। सो कॉपी करो, पेस्ट करो। अरे बोलो लिख सकते हो कि नहीं इसकी जगह पे? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, लिख सकते हैं ना एचसी बाय लैम्डा? अब बताओ यहाँ पे आप चाहो तो एचसी बाय लैम्डा है, अगर हम एचसी को उधर भेज दे तो वन अपॉन लैम्डा बचेगा और ये एज इट इज रहेगा। बताओ एचसी को नीचे चला जाएगा कि नहीं एचसी? यस सर। अब तो 13.6 भी कांस्टेंट है, एचसी भी कांस्टेंट है, एच याद है ना, प्लैंक कांस्टेंट होता था, सी क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट होता था, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको जगह पे एक नया हम नाम दे दे, इसको हम एक नया कांस्टेंट आर बोल दे। अरे आर एक बोल दे रहे हैं, एक नया कांस्टेंट, और इसी आर का नाम क्या हो जाएगा? रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या होगा? रेडबर्ग कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। तो चलो यहाँ पे अब देखते हैं, ये हमने ये निकाला था यहाँ तक, ये देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला ये था, माइनस बाहर था, जब माइनस बाहर था तो देखो एन टू में से वन कर रहे थे, लेकिन जब माइनस अंदर भेजोगे तो वन एन वन में से एन टू माइनस हुआ था। अभी हमने इसको डिराइव करके देखा, रेडबर्ग फॉर्मूला हमने देखो, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था ना, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। बोलो। यस सर। चलो ये हमने देखा, ठीक है भाई। अब ये देखो आर जो है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है, उसका कुछ वैल्यू होता है। आर का वैल्यू क्या होता है? 1.1 × 10⁷ रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या है? रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या है? 1.1 × 10⁷ और इससे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट कौन है? 1 अपॉन आर का वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1 अपॉन आर का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन आर का वैल्यू 912 एंगस्ट्रम होता है। 1 अपॉन आर का वैल्यू क्या है? 912 एंगस्ट्रम है। 1 अपॉन आर का वैल्यू क्या है? 912 एंगस्ट्रम। तो ये आर का वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है। ये आर क्या है, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट क्या है, कहां से आया, अभी हमने सब देख लिया, कैसे डिराइव किए थे, तो ये था डिराइव, N2 में से N1 को माइनस कर दिए थे, एनर्जी को आ गया था भाई। चलो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। तो अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की क्या क्या खामियां थी? तो बोर मॉडल जो होता है स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो अभी फिलहाल के लिए इस पॉइंट को अभी रहने दो, स्पेक्ट्रम अभी नहीं जानते हो, अभी स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा खामिया क्या था? वाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एनएच बाई टू पाई। देखो बोर साहब ने बोला था ना कि एंगुलर मोमेंटम क्या था, एनएच बाई टू पाई था। एंगुलर मोमेंटम क्या था? एनएच बाई टू पाई था। लेकिन ये एनएच बाई टू पाई क्यों था, ये बोर साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बोर साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एंगुलर मोमेंटम एनएच बाई टू पाई क्यों है, बोर साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। मतलब इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस मन किया तो बोल दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कुछ एक्सप्लेन करोगे ना, कुछ मतलब कोई प्रूफ वगैरह
तो कोई प्रूफ वगैरह नहीं, बस मन किया तो बोल दिया। फिर और क्या एक्सेप्शन था, मतलब क्या इनकी डिमेरिट थी? बोर ने क्वांटम थ्योरी और फिजिक्स, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को इंटरलिंक किया था। याद करो हमने बोला था ना एफ ई बराबर एफ सी, बार बार लिख रहे थे, तो उन्होंने क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को एक साथ इंटरलिंक कर दिया था। हमने बोला था ना कि भैया फिजिक्स क्या होता था, फिजिक्स में होता था एल बराबर एम बी आर, और बोर ने एन एच बाई टू पाई बोला था, दोनों को इक्वल कर दिए थे। तो क्वांटम और फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को इन्होंने यूज कर लिया एक साथ ही। लेकिन क्यों, मतलब इसके बीच में ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कोई थ्योरी, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। फिर क्या था, फिर इनका डिमेरिट क्या था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी रहने दो। ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को ये भी अभी रहने दो, ये दोनों हम स्पेक्ट्रा अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से, स्पेक्ट्रा तो अभी हमें जानना पड़ेगा। याद करो हमने बोला था कि भैया बोर जो है, नो कंक्लूजन वाज गिवन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर साहब ने क्या दिया था, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या दिया था, एनएच बाई टू पाई, और हम बोले थे ना कि एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, वन टू थ्री फोर होगा, वन टू थ्री फोर होगा। बोर साहब ने एन का वैल्यू वन टू थ्री फोर क्यों होगा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एन का वैल्यू वन टू थ्री फोर क्यों हुआ, मतलब इन्होंने कोई कंक्लूजन एविडेंस नहीं दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस मन किया तो ले लिए, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाएगा। एक बोर साहब, एक डी ब्रोगली कंसेप्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसके बारे में भी बोर साहब कुछ नहीं बोले। ये डी ब्रोगली क्या है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी फेल होते हैं। बोर साहब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी कुछ नहीं बोल पाए, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। Could not explain the ability of atom, ये atom chemical bond क्यों बना रहा है, ये भी explain नहीं कर पाए, atom bond क्यों बनाते हैं। और Bohr model जो था वो valid था केवल और केवल single electron species के लिए, mono electronic species के लिए Bohr model valid था, जिसमें एक ही electron हो, जैसे hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, मतलब जिसमें एक electron हो Bohr model उसी के लिए valid था, ऐसा क्यों, तो ये भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो ये भी demerit हो गई। तो क्या क्या डिमेरिट थी, तो सबसे पहले ये कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एनएच बाई टू पाई होता है, ये उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया बस बोल दिया। और क्या डिमेरिट थी, भैया क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल फिजिक्स को तुम एक साथ यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं बताया। स्पेक्ट्रा वगैरह तो अभी रहने दो। फिर ये क्या, ये क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज इन्होंने बोला था, क्यों क्वांटाइज है ये भी नहीं बता पाए। फिर इन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। फिर क्या है, केमिकल बॉन्ड एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है ये भी नहीं बताया, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, बोर मॉडल किसके लिए वैलिड है, बस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, ठीक है। अरे बोलो, यस सर स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे आपका बोर मॉडल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बोर मॉडल। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, बोर मॉडल में किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं डाउट है तो आप स्पेक्ट्रम के बारे में जो जानते हो बताओ। स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ सेवन कलर फॉर्मड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ये बहुत बढ़िया। और कोई कुछ, इन अ प्रिज्म सर, जब एक रेडिएशन प्रिज्म से पास होती है तो सर जो पैटर्न में ऑब्टेन होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे सर, वो स्पेक्ट्रम होता है। हां बिल्कुल सही, और कोई कुछ बताएगा सर, जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो हमें एक बैंड मिलता है सेवन कलर्स का, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही, देखो व्हेन ए रेडिएशन, जब एक रेडिएशन पास कराओ कहां से, प्रिज्म से, जब आप रेडिएशन पास कराओगे कहां से पास कराओगे, प्रिज्म से, तो प्रिज्म से रेडिएशन पास कराओगे तो आपको एक फोटोग्राफ दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा, एक फोटो का एक पैटर्न दिखेगा, फोटोग्राफ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे, एक फोटोग्राफिक प्लेट होगा, एक स्क्रीन होगा, एक स्क्रीन पे आपको एक फोटोग्राफ दिखेगा, और जो फोटोग्राफ है उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे, उसी को उस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बोलेंगे। यहां समझ में आएगा, देखो ये व्हाइट लाइट आप पास कराए, आप क्या पास करा रहे हो, व्हाइट लाइट पास किया कहां, प्रिज्म पे, व्हाइट लाइट पास किया कहां, पास किया प्रिज्म पे, देखो प्रिज्म पे गया, अब ये व्हाइट लाइट एक यहां पे स्क्रीन लगाए हो, ये सात कलर में टूट गया, मतलब एक फोटो दिखा,
एक स्क्रीन पे क्या दिखा, फोटो दिखा, एक पैटर्न दिखा, और ये जो पैटर्न दिखा इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। आपने क्या किया, व्हाइट लाइट पास कराया, कहां से पास कराया, प्रिज्म से, प्रिज्म से पास किया, तो स्क्रीन पे क्या दिखा, एक फोटो दिखा बहुत सारे रंगों का, तो वो रंगों का जो फोटो दिखा उसे क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम, क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम। अरे बोलो, यस सर। जब आप क्या करो, आप राइट रेडिएशन को पास कराओ, व्हाइट लाइट को पास कराओ, कहां पास कराओ, प्रिज्म पे, तो प्रिज्म पे क्या दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा, पैटर्न किसका पैटर्न, एक फोटोग्राफ का पैटर्न दिखेगा स्क्रीन पे, एक फोटोग्राफ का पैटर्न दिखेगा, और वो जो पैटर्न है उसे को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम, उस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम दो तरह के, एक इमिशन, एक एब्जॉर्प्शन। अब इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये तुम बांधने पड़ेंगे, पहले हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है जो क्या हो, कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, कहीं गैप ना हो, जिस स्पेक्ट्रम में कोई गैप ना हो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे देखो, यहां से आपने व्हाइट लाइट भेजा, प्रिज्म से पास किया, स्क्रीन पे कलर दिखा, और इसको तुम जूम करो, इस कलर को जूम करो, देखो यहाँ पे कहीं भी आपको गैप दिख रहा है, कहीं भी गैप नहीं दिख रहा, मतलब एक कंटिन्यूअस है, ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यूअस है, ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यूअस है, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, कंटिन्यूअस। तो यही से आपको एक डिसकंटिन्यूअस भी आ जाएगा। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हो, जहां पे कहीं कहीं गैप हो जाए, जहां पे कहीं कहीं गैप हो जाए उसे डिसकंटिन्यूअस बोल दोगे, कहीं कहीं काला काला हो जाए। यस सर। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो, जहां पे कलर कंटिन्यूअस हो उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस बोल भी कहीं कहीं गैप हो जाए, जहां गैप हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस बोल दो, कोई बात नहीं, डिसकंटिन्यूअस बोल दोगे। चलो ये कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे है, व्हाइट लाइट लाए, प्रिज्म से पास कराए, स्क्रीन पे कलर दिखा, कलर कैसा रहा, कंटिन्यूअस था, इसलिए हम इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। अब क्या होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बाद हमने क्या पढ़ा था, दो तरह के स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन, एक इमिशन। चलो सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। नाम में ही एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या हो, कुछ एब्जॉर्ब करे, जो क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, उसे क्या कहोगे, एब्जॉर्प्शन। क्या एब्जॉर्ब कर ले, रेडिएशन को। अगर मान लो व्हाइट लाइट तुम भेज रहे थे, रास्ते में कोई कोई लिक्विड या कोई गैस हो जाए, अब वो गैस क्या करेगा, उस लाइट को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा भाई, देखो क्यों एब्जॉर्ब करेगा, यहां पे अगर मान लीजिए आपने पढ़ा था इसका एनर्जी क्या था, हमने अभी फर्स्ट सेल का एनर्जी क्या था, -13.6 था ना, यस सर। सेकंड वाले का एनर्जी कितना था, सेकंड वाले का एनर्जी क्या था, -3.4 था। थर्ड वाले का क्या था, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहां पे, इलेक्ट्रॉन कहां है, अंदर में। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा कि नहीं, यस यस सर, यस सर। क्या इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकुलर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकुलर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप जानते होंगे क्या, मोबाइल में रिचार्ज आता है, या तो ऐसा आता है ना पैक, या तो आप 99 रुपए का रिचार्ज कराओ, या तो 49 रुपए का रिचार्ज कराओ, या 149 का रिचार्ज कराओ। क्या आप 150 का रिचार्ज करा सकते हो, नहीं, पैक ही 149 का। क्या आप 50 का रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं। क्या आप 48 का रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं, फिक्स है, जब रिचार्ज होगा तो इतने ही रुपए आपको, इतने ही रुपए पे करने होंगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। तो वही हाल इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा एनर्जी लेगा ना कम लेगा, फिक्स लेगा, कितना, जो इसका गैप है। देखो पहले और दूसरे का गैप कितना है, पहले और सेकंड का गैप क्या है, 10.2 हमने निकाला था ना, पहले और सेकंड का गैप क्या था, 10.2 था। थर्ड और सेकंड का गैप क्या था, 1.89 था। फोर और थर्ड का गैप क्या था, 0.66। फाइव और फोर का गैप क्या था, 0.31, ये गैप था। सेकेंड और फर्स्ट का गैप क्या था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड और फर्स्ट का गैप कितना था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा,
इससे कम मिलेगा तभी भी कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा मिलेगा तभी भी कुछ नहीं होगा, वो वही कर। अब क्या करें, अगर मान लीजिए क्या सर ये इलेक्ट्रॉन पहले से निकल के दूसरे में जाएगा, ये पहले से निकल के तीसरे में भी जा सकता है, लेकिन कब जाएगा, जब इसके बराबर गैप की एनर्जी मिल जाए। मतलब इन दोनों का गैप कितना है, देखो 13 पॉइंट से गैप निकालने क्या होगा, बड़े में से छोटा का माइनस करते हैं, E3 माइनस E1 क्या गैप क्या होगा, E3 माइनस E1 का गैप क्या होगा, बड़ा क्या है, बड़ा क्या है -1.51, छोटा क्या है -13.6, क्या वैल्यू आएगा बताओ, -1.51 प्लस 13.6 करोगे तो क्या आएगा, 12 पॉइंट कितना आ रहा है जी, 12.09 आ रहा है क्या, देखो तो 12.09 आएगा क्या, 9 में से 9 51 और 9 60 हो जाएगा, यस 12.01 होगा, 09 होगा। तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया, इसको 12.09 का गैप का एनर्जी मिलेगा ना, 12.09 एनर्जी मिलेगा तो वो पहले से तीसरे में चला जाएगा, कब कितना मिलेगा, जब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा, पहले से दूसरे में कब आ रहा था, जब इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रहा था। अरे ये फिक्स है, ठीक है भाई, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन ना कम लेगा ना ज्यादा लेगा, जो फिक्स एनर्जी है वही लेगा, ठीक है सर। हम फिफ्थ लोग लाइक थर्ड या फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट या सेकंड में नहीं भेज सकते, लाइक जैसे हम थर्ड या फिफ्थ को फर्स्ट में भेजेंगे तो वो एनर्जी लॉस करके भेजाएगा, हम एनर्जी दे नहीं रहे हैं। अरे एनर्जी दोगे तो बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। जैसे ये मान लो सेकंड से फर्स्ट में आएगा ना, तो इसको एनर्जी लॉस करना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देना पड़ेगा। जैसे तुम बाहर गए थे, मामा यहाँ गए थे, तुमको वापस पैसे मिल गए थे, लेकिन जब घर आओगे तो मम्मी को पैसा वापस करना होगा। ओके सर, पैसा देना होगा तब आपको घर में एंट्री मिलेगा, जैसे ही नहीं भी दोगे तो मम्मी वैसे भी छीन लेगी। तो घर आओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, बाहर जाओगे तो पैसा आपको घर से मिलेगा। तुम बाहर मान लो पिकनिक पे जा रहे हो तो तुम्हारे घर वाले पैसे देते, जाओ बेटा पिकनिक पे जा रहे हो, पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही घर आओगे पैसे छीन लिए जाएंगे जो बचेंगे। वही हाल इलेक्ट्रॉन का है, बाहर जा रहा है तो एनर्जी लेके जाएगा, घर आएगा तो एनर्जी इसको लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने NaCl सॉल्यूशन डाल दिया, बीच में NaCl के सॉल्यूशन को डाल दिया, ये अब NaCl सॉल्यूशन क्या करेगा, इसके पास भी तो न्यूक्लियस है, इसके पास भी तो सेल है, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, व्हाइट लाइट के पास क्या होता है, अरे लाइट है तो एनर्जी होगा, हमने पढ़ा था ना एनर्जी, लाइट का एनर्जी क्या होगा, एचसी लैम्डा पढ़ा था ना, लाइट के पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ है तो एनर्जी है, तो लाइट के पास एनर्जी है भाई, लाइट के पास क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी तुम दे रहे हो, ये NaCl सॉल्यूशन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जिसको ये एब्जॉर्ब कर लिया, जिस एनर्जी को, जिस वेवलेंथ को खा गया, वो लाइट, वो कलर अब नहीं दिखेगा, वो कलर नहीं दिखेगा, चूंकि वो कलर गायब हो गया इसलिए क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा, देखो व्हाइट लाइट पहले डायरेक्ट जा रहा था, बीच में अब कोई गैस है, अब ये गैस क्या करेगा, कुछ इस व्हाइट लाइट को खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्यों एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज सके। मान लो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने के लिए कुछ एनर्जी ये खा जाएगा, व्हाइट लाइट का कुछ एनर्जी ये खा गया, जिसका वही है कंज्यूम कर लिया, वो देखो वो कलर गैप है, देखो यहाँ पे ब्लैंक 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 देख रहे हो, ये काला काला दिख रहा है, गैप आ गया, यानी कि अब ये कंटिन्यूअस नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया, क्योंकि व्हाइट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कैसा स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, कैसा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, समझ में आया, अरे कैसा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है भाई, पड़ता तो आपको सात कलर ऐसे दिखते, लेकिन ये व्हाइट लाइट अब डायरेक्ट प्रिज्म में नहीं पड़ रहा है, देखो बीच में कुछ गैस ले लियो, अब ये गैस वाले क्या करेंगे, कुछ लाइट को खा जाएंगे, अरे कुछ लाइट को, मान लो ये पहले व्हाइट लाइट डायरेक्ट प्रिज्म पे जा रहा था, रास्ते में तुम यहाँ पे गैस ले लोगे तो कुछ लाइट ये कंज्यूम कर लिया ना। yes, अरे बोलो, जैसे मान लो बहुत सारे चूहे यहाँ से जा रहे थे प्रिज्म पे, रास्ते में एक बिल्ली बैठ गया, कुछ चूहे को खा गया, सारे चूहे यहाँ पे पहुंच पाएगा क्या, अरे बहुत सारे, तुम मान लो यहाँ से रैट जा रहा है तो क्या सारे रैट प्रिज्म पे पहुंच पाए, नहीं, रास्ते में कुछ रैट को चैट ने खा गया,
कुछ रेड को कैट ने निगल लिया तो क्या कुछ रेड पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए, तो जो रेड पहुंचा ही नहीं वो स्क्रीन पे दिखेगा कैसे? अरे जो पहुंचेगा वो तो दिखेगा, जो पहुंचा ही नहीं, जो जो वेवलेंथ पहुंचा ही नहीं वो दिखेगा कैसे? वो नहीं दिखेगा। तो वही देखो यहाँ पे कुछ लाइट नहीं दिख रहा, देखो ये गैप आ गया, गैप आ गया, गैप आ गया, गैप आ गया, गैप आ गया। और ये क्यों आ गया? कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्या? कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये कैसा स्पेक्ट्रम है? ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन में कैसा? डिसकंटिन्यूअस। अरे ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस कहां? डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। डिसकंटिन्यूअस है। चलो यस सर। ठीक है भाई, किसी को यहां तक कोई डाउट? और ये क्यों एब्जॉर्ब कर रहा होगा? तो देखो इसके पास क्या होगा, ये है जो गैस रखे हो, इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अब बताओ तुमने कुछ पैसे लेके बाहर गए, मार्केट में गए, क्या हमेशा लाइफ टाइम मार्केट में रहोगे या फिर जिससे घर पे आओगे? सर फिर से घर पर आएंगे। कब आओगे? जब तुम्हारा पैसा खर्च हो जाए। या फिर तुम मामा यहाँ गए थे, तुम मामा यहाँ गए थे, पैसे बहुत थे, घर आओगे तो पैसे तुमको देने पड़ेंगे? Yes, देने पड़ेंगे। यानी कि जो लाइट तुम्हारा मतलब इलेक्ट्रॉन जो लाइट एब्जॉर्ब करके बाहर गया था वो फिर से घर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन अब फिर से घर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिर से घर आएगा। अब क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब बाहर था, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था, यानी कि ये क्या है, बाहर है मतलब एक्साइटेड स्टेट में। मामा यह है, बहुत पैसे हो गए, तुम बहुत उछल कूद कर रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो, घर आओगे पैसे लॉस करने पड़ेंगे कि नहीं? अरे बोलो अंदर वाले का। देखो इस घर का रूल क्या है, इस घर के रूल में यहाँ पे जो भी रहेगा उसका एनर्जी कितना रहेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका एनर्जी क्या था? -1.51 था ना? यस सर। यानी कि बाहर में तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा था, बाहर में तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा था, अंदर जाओगे एनर्जी कम होगा। और तुमको भी पता एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, क्योंकि तुम अंदर जा रहे हो एनर्जी कम हो रहा है, तो बाकी एनर्जी गए कहां? तो बाकी एनर्जी एक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब एक रेडिएशन निकलेगा, एक लाइट निकलेगा। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है मतलब एक्साइटेड स्टेट में, हमेशा बाहर रहेगा नहीं, उसको फिर से घर आना है, वो घर आएगा। क्योंकि घर आएगा तो उसको एनर्जी, उसको क्या होगा, अपने पैसे पेरेंट को देने होंगे। इस घर का एनर्जी कम है और आपको पता है कि एनर्जी तो कहीं जाएगा नहीं, तो एनर्जी कम हो रहा है, तो बाकी एनर्जी कहाँ गया? तो एक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एक रेडिएशन बाहर निकलेगा। ठीक है भाई? ओके सर। बोलो तो क्या निकला? एक रेडिएशन बाहर निकला। क्या निकला? एक रेडिएशन बाहर निकला। क्या निकला भाई? एक रेडिएशन। रेडिएशन। अब ये रेडिएशन निकला, अगर इसको प्रिज्म से पास कराएंगे तो कलर दिखेगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये रेडिएशन निकल रहा है, यानी कि क्या हुआ, इमिशन हुआ। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जो आएगा वो क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो सर, जो गैस ने ऑब्जर्व करा था वही रिलीज करेगी, वही रिलीज करेगा। यस, जो गैस ने ऑब्जर्व किया था वही रिलीज करेगा, बिल्कुल सही। जो डार्क स्पेस से पहले नहीं दिख रहे थे वो दिखेंगे, वही दिखेंगे। हाँ पीयूष सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो पहले नहीं दिखे थे वही दिखेंगे। देखो इमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी डिस्कंटीन्यूअस होगा। हाँ भैया, अभी समझ में आएगा, डिस्कंटीन्यूअस होगा, अभी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं ले, अभी देखो हम जो भी ले रहे थे वहां पे व्हाइट लाइट को फॉल करा रहे थे, यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं लेना है। बस यहाँ पे देखो H2 गैस लिए है, गैस लिए, इसको पोटेंशियल दे रहे हो, मतलब इसको एक्साइट कर रहे हो। चूंकि एक्साइट कर रहे हो, यानी कि क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन अभी बाहर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर है तो बाहर तो रहेगा नहीं, मार्केट में हमेशा रहेगा नहीं, घर आएगा। चलो ये घर आया, जैसे इलेक्ट्रॉन घर आएगा तो क्या होगा, ये एक रेडिएशन बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? एक रेडिएशन निकलेगा। तो देखो ये रेडिएशन बाहर निकला, अब ये रेडिएशन को तुम प्रिज्म पे पास कराए, और प्रिज्म से पास करेगा, यहाँ पे एक स्क्रीन रखो, स्क्रीन कलर दिखा, स्क्रीन पे क्या दिखा? कलर। स्क्रीन पे क्या दिखा भैया आपका? कलर दिखा। अब ये कलर कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। लो हमने एक हॉट गैस को लिया, हॉट गैस को पास कराए, स्क्रीन पे गया, स्क्रीन पे गया, देखो कलर दिखा। कलर कहाँ दिखा? ये मैक्सिमम डार्क है, कहीं और कहीं 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 प्लेस पे कलर दिख रहा है, देख रहे हो, मैक्सिमम पोर्शन डार्क है, कहीं कहीं पे कलर दिख रहा है। ठीक है, तो एक्साइटेड एटम जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, एक्साइटेड एटम जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? वो अपना एनर्जी को रिड्यूस करता है। स्टेबल होने का मतलब वो नीचे आएगा, घर आएगा ना, तो मार्केट में स्टेबल थोड़ी हो,
गाड़ी आकर ठोकर मारेगा, खत्म हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए तुम अपना घर आओगे, घर आओगे मतलब एनर्जी लॉस करोगे। वैसे भी मामा यहाँ कितना दिन रहोगे, घर आने ही पे, तो एनर्जी तुम लॉस करके स्टेबल होना चाहोगे। और जो एनर्जी लॉस करोगे यानी कि एक रेडिएशन निकलेगा, और जो रेडिएशन निकलेगा वो क्या होगा, वो इमिट हो रहा है ठीक है, और वो जो रेडिएशन निकलेगा उसको प्रिज्म से पास कराओगे, जो कलर दिखेगा उसी को तुम बोलोगे इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि रेडिएशन इमिट हो रहा है। तुम कोई व्हाइट नहीं लाइट नहीं लियो, देखो इस बार कोई भी लाइट नहीं लिए, लाइट वाइट लिए हो क्या, नहीं, क्या लियो, एक बार डब्बा है, डब्बे में क्या है, गैस है, इसको तुम हीट दे रहे हो, इसको तुम क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, जिससे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होगा, अरे न्यूक्लियस है, हीट दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया आउटर सेल में, अब इलेक्ट्रॉन में से बाहर नहीं रहेगा, ये घर आएगा, वापस आएगा, जैसे ही वापस आएगा तो एक रेडिएशन बाहर निकलेगा, बाहर एक क्या निकलेगा, रेडिएशन, और वही रेडिएशन को तुम यहां से पास करा दो, उस रेडिएशन को आप यहां से पास कराओ, प्रिज्म से ये जाएगा, प्रिज्म से जाएगा वो रेडिएशन, और प्रिज्म पे जाएगा तो यहाँ से स्क्रीन पे कलर दिखेगा, स्क्रीन पे क्या दिखेगा, कलर दिखेगा, अरे बोलो, और ये स्क्रीन पे कलर दिखेगा, ये कंटिन्यूअस है, नहीं नहीं, कहीं कहीं पे कलर दिख रहा है, कहीं कहीं पे कलर दिख रहा है, ये लगातार नहीं है, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे, तो क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुआ, नहीं नहीं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुआ, क्या कोई लाइट ले रहे हैं, क्या सर, डिसकंटिन्यूअस, हाँ डिसकंटिन्यूअस है, क्या कोई तुम लाइट लिए थे क्या, नहीं नहीं, हम कोई लाइट नहीं लिए थे, हम क्या किए थे, हमने गैस लिया था और उसी को एक्साइट किया था, यानी कि गैस से रेडिएशन इमिट हुआ था, तो इसलिए कैसा स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन नहीं, इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो अच्छी बात यह है कि जो वहां पे पिछले वाले में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां जहां डार्क कलर आया था ना, जहां 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 का क्या हो रहा था, कलर गायब हो रहा था, वही वही पे कलर आएगा कहां, इमिशन स्पेक्ट्रम में, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां जहां पे कलर गायब हुआ था, इमिशन स्पेक्ट्रम में वही वही पे कलर आपको दिखेगा, एब्जॉर्प्शन में जहां पे कलर गायब हुआ था, इमिशन में वही पे कलर आपको दिखेगा। अरे ठीक है भाई, एब्जॉर्प्शन में जहां पे कलर गायब हुआ था, इमिशन में वही पे कलर आपको दिखेगा, ठीक है, चलो भाई। और ऐसे कौन कौन सी गैसों से एमिट हो सकता है, अरे कोई भी गैस लो ना, जरूरी नहीं, कोई फिक्स नहीं है, देखो ना क्या लिखा हुआ, एक कोल्ड गैस मतलब एक हॉट गैस हम लिखे हुए थे, अरे कोई भी गैस ले लो, हमने तो NaCl का सॉल्यूशन भी लिया था ना, हमने तो NaCl का सॉल्यूशन भी लिया था, हमने तो NaCl का सॉल्यूशन भी लिया था, देखो यहाँ पे NaCl का डबलेट और ट्रिपलेट बता देते हैं इसमें, क्या क्या बोल रहे हो, देखो ये जो क्या है, जो लाइट गायब हो रहा था वही लाइट यहाँ पे दिखेगा, ऐसा क्यों, तो देखो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे कोई है क्या, देखो एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे एक था, यस एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया था तो वो वाले एनर्जी आपके वो वाले लाइट नहीं दिखे थे, वो वाले वेवलेंथ के लाइट नहीं दिखे थे, लेकिन इमिशन में क्या होगा, अरे जो एब्जॉर्ब किया था वही तो इमिट करके वापस आएगा ना घर पे, क्योंकि गैप तो फिक्स है ना, हम बोले थे ना रिचार्ज क्या होगा, या तो 49 का रिचार्ज करो, या 99 का, या 149 का, बीच का कम बेस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा वही तो यहाँ पे इमिट किया होगा, बोलो, तो जो यहाँ से गायब हुआ था, जो यहाँ से लॉस हुआ था वही तो यहाँ पे आपको दिखेगा ना, अरे बोलो, जो लाइट गायब हुआ था, जो लाइन जहां पे डार्क दिख रहा था इमिशन स्पेक्ट्रम में, वही पे आपको कलर दिखेगा, वही पे आपको कलर दिखेगा, ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन इमिशन क्या, दोनों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। क्या आता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, देखो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये यूजुअली हम हाइड्रोजन के लिए, हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन के लिए पढ़ना है, तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जॉर्ब ड्यू टू एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट हुआ फिर डी एक्साइट हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, एक्साइट होकर बाहर गया घूमने, मार्केट में एक्साइट होकर घूमने गया, फिर वही इलेक्ट्रॉन वापस से घर आएगा, अरे समझ में आ रहा है, तो क्या हुआ लाइन स्पेक्ट्रम कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा फिर डी एक्साइट होगा, फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट, और इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है स्पेक्ट्रम दिखेंगे, ऑब्वियसली बात है कलर दिखेगा ना,
अरे वापस घर आ रहा है, मान लो इसको एक्साइट किए, बाहर गया और बाहर से फिर से घर आएगा, जैसे ही घर आया तो इसको एनर्जी लॉस करेगा, यानी कि एक रेडिएशन निकलेगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो रेडिएशन निकलेगा तो कलर दिखेगा, कलर दिखेगा तो स्पेक्ट्रम दिखेगा, कलर जो है स्पेक्ट्रम दिखा, स्पेक्ट्रम दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सीरीज पढ़ने हैं आपको, लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज पढ़ने हैं। कौन कौन सी सीरीज? तो आपको पढ़ने हैं लाइमन, बाल्मर, पास्टर्न, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री। ये सारे सीरीज के बारे में हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ ले रहे हैं, बस थोड़ी सी बेसिक। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गया, चलो इलेक्ट्रॉन हम बाहर भेज दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम देखो ऐसे था ना, ये न्यूक्लियस और ये ऐसे गए, ऐसे 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 से है ना सेल। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर, बाहर कहीं एक्साइटेड स्टेट में, और बाहर से इलेक्ट्रॉन बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकता है कि नहीं? अरे yes, ये पहला सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर छठे से पहले पे आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले पे आएगा? नहीं, ये इसका इलेक्ट्रॉन का मन चाहे तो दूसरे पे रुक जाए, चाहे तो तीसरे पे रुक जाए, चाहे तो चौथे पे रुक जाए, चाहे तो पांचवे पे रुक जाए, इलेक्ट्रॉन का मन। अरे तुम्हारा मन डायरेक्ट तुम घर पे आओ, या फिर चाट के दुकान पे रुको, गुपचुप के दुकान पे रुको, पानी पूरी, या फिर जिसके दुकान पे रुको, तुम्हारा मन। तो इलेक्ट्रॉन का भी मन है ना, ये सबके सब क्या स्टॉपेज है, सबके सब क्या स्टॉपेज है। तो इलेक्ट्रॉन का मन करे तो पहले पे आ जाए, दूसरे पे आ जाए, तीसरे पे आ जाए, चौथे पे आ जाए। इलेक्ट्रॉन कहीं पे आएगा, एनर्जी तो लॉस ही कर रहा होगा ना, क्योंकि बाहर वाले का एनर्जी ज्यादा होता है। अरे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो तुम डायरेक्ट घर पे आओगे, पैसे तुम्हारे घर वाले छीन लेंगे। अरे तुम बीच में घर पे नहीं है, तुम सोच रहे हो पैसे छीन लेंगे, तुम बीच में गुपचुप वाले के दुकान पे रुक गए, अरे गुपचुप खाओगे वो भी तो कुछ पैसा छीन लेगा। तुम चाट के दुकान पे रुके वो भी पैसे ले लेंगे, समोसे के दुकान पे रुको वो भी पैसे ले लेंगे। मतलब तुम कहीं भी स्टॉपेज पे आओ रुको, पैसे लोगे। मतलब चलो तुम कुछ खाए नहीं, कुछ होटल में रुक गए, स्टे कर गए, होटल स्टे करने के लिए पैसे ले लेगा। अरे ऑब्वियस बात है, बाहर वाले का एनर्जी क्या था? ज्यादा था। अंदर वाले की एनर्जी क्या था? कम था। तुम बाहर से अंदर आ रहे हो, एनर्जी तो लॉस हो रहा है ना, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो वो लॉस एनर्जी कैसे दिखेगा? रेडिएशन के फॉर्म में दिखेगा कि नहीं? अरे रेडिएशन के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि रेडिएशन के फॉर्म में दिखेगा तो आपको कलर दिखेगा, कलर दिखेगा यानी कि स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे है, और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे है और कहां पे आके रुका? अगर घर पे आके रुका, डायरेक्ट घर पे आके रुका, तो जो स्पेक्ट्रम दिखेगा उसे बोलोगे लाइमन, लाइमन सीरीज। बहुत सारी सीरीज क्या होगा? लाइमन सीरीज। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है, देखो सातवां छठा, कहां पे आके रुक रहा है? पहले पे। अगर पहले पे फर्स्ट सेल में रुकेगा तो क्या होगा? वो सीरीज जो बनेगा वो लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहीं पे रहे, कहां पे आके रुके? सेकंड पे। सेकंड मतलब ये वाले मान लो ये चाट का दुकान था, ये किसका दुकान था भाई? तुम क्या पसंद है? मोमो। चलो मोमो पसंद है, मोमो ही लिख देते हैं, मान लो ये मोमो वाले की दुकान है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे रहा, अगर मोमो की दुकान पे रुका यानी कि सेकंड पे आके रुका, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस तरह का सीरीज क्या होगा? बाल्मर सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहीं पे रहे, अगर तीसरे पे आके रुकेगा, तो उस तरह का सीरीज को क्या बोलेंगे? पास्टर्न। इलेक्ट्रॉन कहीं पे रहे, चौथे पे आके रुकेगा, उस तरह का सीरीज को क्या बोलेंगे? ब्रैकेट। इलेक्ट्रॉन कहीं पे रहे, पांचवे पे आके रुकेगा, तो हम क्या बोलेंगे? पीफन। तो ये सारे सीरीज को डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इन सभी सीरीज को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको स्पेक्ट्रम को एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है भाई? ओके सर। लाइमर सीरीज याद रखना, लाइमर सीरीज हमेशा पहले पे आके रुकेगा, बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आके रुकेगा, पास्टर्न में इलेक्ट्रॉन तीसरे पे, ब्रैकेट में चौथे पे, पीफन में पांचवे पे, हम्फ्री में छठे पे, ठीक है? देखो तुम भी साइंटिस्ट बन जाते अगर मान लो ये लोग डिस्कवर नहीं किया था, तुम भी कर लेते भाई इलेक्ट्रॉन को ये पहले पे रुका था, तुम तीसरे पे रोक देते, तुम दूसरे पे रोक देते, तुम भी साइंटिस्ट बन जाते, तुम्हारा भी नाम हो जाता, लेकिन आपके लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा, सब हो गए। तो ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे सीरीज को नेक्स्ट क्लास में। अभी तक कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझा हो तो बोलो, किसी को कोई टॉपिक नहीं समझा हो तो जल्दी बताओ। अरे समझ में आया भाई? सर डबलेट और ट्रिपलेट लाइन स्पेक्ट्रम सर क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, रुक जाओ। अभी ये बताओ, अभी की क्लास में किसी को कोई डाउट अभी जो हमने पढ़ा? अरे बोलो नहीं सर, ठीक है? समझ में आया सबको? स्पेक्ट्रम पूरा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पूरा क्लियर ना? यस सर। यस सर। यस। ओके।